प्रगति के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ती भारतीय रेल अमृतकाल में न्यू इंडिया के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारतीय रेल की इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं और यात्री सुविधाओं से जुड़े कदमों की सफलता के लिए हर साल बजट के माध्यम से एक मजबूत आधार तैयार किया जाता है। बजट में आवंटित धनराशि से जहां नई योजनाओं को शुरू करने में मदद मिलती है, वहीं पहले से जारी योजनाओं के निर्माण को गति प्रदान की जाती है। बजट 2023 भी भारतीय रेल के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी को संसद में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट पेश किया। A capital outlay of 2.40 lakh crores has been provided for the railways. भारतीय रेल को रिकॉर्ड 2.4 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया गया, जो अब तक का भारतीय रेल को मिला सबसे अधिक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वर्ष 2022-23 में भारतीय रेल को 1.59 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया गया था। देखा जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 51% की बढ़ोतरी हुई है और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्ष 2013-14 की तुलना में लगभग 9 गुना ज्यादा है। जाहिर है कि बजट 2023-24 में भारतीय रेल के विकास के लिए जो रकम आवंटित की गई है, उससे देश में वर्ल्ड क्लास रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, देश भर में रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण, बुलेट ट्रेन परियोजना के निर्माण और देश में रेल नेटवर्क के विस्तार को गति मिलेगी। वहीं देश भर में वंदे भारत ट्रेनों के संचालन, पूर्ण विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल करने और यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित करने का मार्ग प्रशस्त होगा। बहुत सारा फोकस रहेगा बजट में, जिस तरह से कहा गया है, उन सब थीम्स पे, ग्रीन ग्रोथ पे, टूरिज्म पे, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज पे। इस साल के बजट पर चर्चा के दौरान माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश भर में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1,275 रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा है और इस वर्ष इसे तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं, देश के कोने कोने को वंदे भारत ट्रेन से जोड़ने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को पूरा करने के लिए अब ICF चेन्नई के अलावा हरियाणा के सोनीपत, महाराष्ट्र के लातूर और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भी वंदे भारत ट्रेन का प्रोडक्शन चालू किया जाएगा। इस वर्ष दिसंबर तक हाइड्रोजन ट्रेन बनकर तैयार हो जाएगी, जिसे ग्रीन ग्रोथ पहल के अंतर्गत सबसे पहले देश के हेरिटेज सर्किट पर चलाया जाएगा। बिजली का उत्पादन भी हरित तरीके से हो, इसके लिए अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट्स स्थापित किए जाएंगे। भारत गौरव ट्रेन्स रेलवे के जरिए टूरिज्म को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित हुई है। इसे आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष रामायण सर्किट, जगन्नाथ सर्किट की तर्ज पर 5-6 नए सर्किट और जोड़े जाएंगे, ताकि देशवासियों को देश की धार्मिक विरासत के दर्शन हो सके। 2.40 लाख करोड़ का बजट पारित किया है, ये जानकर बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि जैसे अभी जो भी नई नई ट्रेन आ रही है, वंदे भारत ट्रेन हो गई, राजधानी वगैरह हो गई, इन सब में और इम्प्रूवमेंट होगा और रेलवे की पूरी शक्ल बदल जाएगी। जो नेशनल स्तर पर अभी जो रेलवे को सब इतना प्यार करते हैं, और ज़्यादा जनता को अच्छा लगेगा। सरकार ने जो बजट दिया है रेलवे को, उससे यात्रियों के लिए बहुत सुविधा होगी और इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद कहना चाहते हैं। देखा जाए तो अमृतकाल के इस रेल बजट से न केवल भारतीय रेल को नई पहचान मिलेगी, बल्कि नए भारत के निर्माण में और जन आकांक्षाओं को पूरा करने में भी भारतीय रेल अग्रणी भूमिका निभाती नजर आएगी।